देश के लिए स्थिरता और निरंतरता बहुत आवश्यक है, और जिस गति के साथ देश आगे बढ़ रहा है ये दुनिया भर के लिए एक बड़ी उम्मीद बनी है। दुनिया भारत की ओर उम्मीद भरी नज़रों से देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनको बहुत उम्मीद दिखती है, और देश की जनता भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। एक के बाद दूसरा चुनाव जब कांग्रेस हारती है तो कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती है, कभी लोकतंत्र के ख़त्म होने की बात करती है, तो कभी जनता को कोसती है। सच्चाई ये है कि ना ये अपनों से न्याय कर पाए ना जनता से, और एक एक करके इनके सहयोगी दल छोड़ते जा रहे हैं। और यही कारण है कि आज ममता बनर्जी इनसे मिलने से मना कर देती है, इनके सहयोगी दल इनको छोड़ के चले जाते हैं और कई और जाने की तैयारी में ताक लगाए बैठे हैं। तो निश्चित तौर पर खड़गे जी, आपके लिए तो कठिन समय है, क्योंकि नहीं मिलती कि आपका नेता प्रतिपक्ष चुना जाए, और आगे भी नहीं मिलने वाली। कांग्रेस का काम केवल ऐसा वातावरण खड़ा करना है, खुद तो कुछ कर नहीं पाए, सारी गारंटियां फेल हो गई, 1500 रुपये महीना दे नहीं पाए, 5 लाख नौकरी दे नहीं पाए। हिमाचल के युवा बेरोजगारी के चलते पूछते हैं कि कहाँ है हमारा रोजगार, और उसका कोई जवाब नहीं देते। किसान पूछते हैं कहाँ 2 रुपये किलो गोबर, कहाँ 100 रुपये लीटर दूध खरीदा, नहीं खरीदा। 1500 रुपये महिलाओं को देना था, नहीं दिया। ऐसे ही अनेकों गारंटियाँ जो दी थी उनमें से कोई भी पूरी नहीं की, तो अब कांग्रेस मुँह छिपाती फिर रही है। और अब इनके अपने ही नेता, चुने हुए प्रतिनिधि भी ये कहते हैं कि अनदेखी हो रही है, तो जनता की तो क्या हालत होगी जब कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता ही अपनी सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहा है। झूठ बोलना कांग्रेस की पुरानी आदत है, समाज में इस तरह का वातावरण खड़ा करना कांग्रेस की पुरानी आदत है, और एक नहीं अनेक बार डिपार्टमेंट ने भी कई बार क्लैरिफाई, पहले भी जब ऐसे के झूठी अफवाहें फैलाने का काम कांग्रेस करती तो सरकार ने उसमें पहले भी स्पष्टीकरण दिया है। मैं इतना ही कहूँगा, अगर कांग्रेस के नेताओं के पास कोई काम नहीं तो कम से कम अपना चिंतन तो करें, अफवाहें फैलाना बंद करें। एक ऑफेंडर्स बिल हमने बनाया था जो देश के बैंकों के पैसा लेके भागे थे, ताकि यूपीए के समय पर जिन्होंने बैंकों के साथ हेरा फेरी की और पैसे लेके भाग गए, उन भगौड़ों को पकड़ने के लिए तो हमने इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल लाए, आर्थिक अपराध वाले भगौड़ों को। लेकिन अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों, वो जांच एजेंसियों का सामना करने के बजाय भागते हों, तो ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और इस पर ना आम आदमी पार्टी बोलती, ना कांग्रेस बोलती, ना कांग्रेस के बाकी सहयोगी बोलते हैं। तो ये भ्रष्टाचार के मामले में सब एकजुट क्यों हैं? वो लोग जो कभी पिछड़ों की राजनीति करते थे, जो समाजवाद की बात करते थे, जब लालू जी आए तो उन्होंने चारा घोटाला किया, इन्होंने जानवरों को भी नहीं छोड़ा। जब केंद्र में मंत्री बने तब जाके जमीन के बदले जॉब देने की ऑफर की, आज उसके चलते उनका जान चल रही है। और जब जान चलती है तब आप बाहर प्रदर्शन करवाते हैं? अरे आपको तो छिपाने के लिए अगर कुछ नहीं है तो आइए ना, जांच का सामना कीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।